जय बजरंग बली की। दोस्तों कैसे हो आप सब? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। आज मैं फिर आपके सबके सामने हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, खूब पैसा कमाना है तो इस जगह रख दे 5 इलायची, पैसों से भर जाएगा आपका घर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली। छोटी इलायची लगभग हर घर की रसोई में मौजूद है, बल्कि जीवन में भी हर किसी के लिए मौजूद रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। खूब पैसा कमाना है तो इस जगह रख दे 5 इलायची, पैसों से भर जाएगा आपका घर। आज की वीडियो में हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे। इन उपाय बताने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो सकती है छोटी सी इलायची। अगर आप अपना घर और अपनी तिजोरी को नोटों से भरा रखना चाहते हैं तो आप एक उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको 5 छोटी इलायची अपने पर्स में रखनी चाहिए, और ये बहुत ही आसान और अचूक उपाय है। इस उपाय को आप एक बार जिस दिन से करेंगे उस दिन से आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा, आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। भारत में इलायची का प्रयोग प्राचीन काल से चला रहा है, चाहे वह पूजा पाठ के मामले में का हो या मिठाई बनाने का कार्य हो, दोनों में ही इलायची का प्रयोग होता है। इलायची डालने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। ज्योतिष के अनुसार आज मैं आपको इलायची के उपाय बता रहा हूँ जो आपको जीवन में सुख और संपत्ति को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर बात की जाए शुक्र के उपाय के बारे में, तो अगर आप शुक्र ग्रह को अच्छा रखना चाहते हैं, यानी कि जिस किसी व्यक्ति का शुक्र अच्छा रहता है उसको कभी भी पैसों के संबंध में कभी भी कोई चिंता नहीं होती है, उसे हर प्रकार के सुख सुविधा और आराम मिलता है, क्योंकि शुक्र को हम ऐसा आराम देने वाला, सुख संपत्ति देने वाला ग्रह मानते हैं जो कि आप सभी के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, सुख समृद्धि और धन हर व्यक्ति चाहता है। अगर आप खूब सारा पैसा चाहते हैं, बंगला गाड़ी सब चाहते हैं, तो आपको अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह हर प्रकार का सुख देता है। अगर आपका शुक्र खराब हो जाए तो आप इन सब में सब चीजों में से वंचित हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको अगर आप अपना शुक्र ग्रह अच्छा करना चाहते हैं तो एक लोटा जल लेकर के उसमें 2 बड़ी इलायची डाल करके पानी में आधा होने तक उसे उबाल लें। फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिला करके स्नान करें। स्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान रखें। वाहन से जुड़े मामले हो या धन संबंधी मामले हो, यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। तो इस उपाय को नौकरी ना मिलने वाले बेरोजगार व्यक्ति भी कर सकते हैं। जैसे इस उपाय से जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, ना मिलने की परेशानी है, परेशान है, तो वह क्या करना चाहिए? इस उपाय को आपको रात को करना है। रात को सोने से पहले एक हरे रंग का कपड़ा लेना है। आप चाहे तो छोटा कपड़ा भी ले सकते हैं। हरे रंग का कपड़ा लेने के बाद आपको एक छोटी सी आम सी दिखने वाली इस इलायची को आपको इसमें बांध लेना है। इसके बाद आपको अपने तकिए के नीचे इसे रख लेना है, और अगले दिन आप इस इलायची को किसी भी गरीब व्यक्ति को खाने को दें। यह उपाय आप कर सकते हैं किसी भी दिन, खासकर से वीरवार के दिन। इससे आपकी नौकरी में उन्नति और आपके पास धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यह भौतिक और सटीक हर प्रकार की आपको सुख सुविधा मिलने लगती है। यह बहुत ही आसान लेकिन कारगर उपाय है। आपकी दरिद्रता यानी कि गरीबी दूर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी गरीब या दरिद्र व्यक्ति को ढूंढना होगा, या आपको कोई हिजड़ा मिल जाए तो वह आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। इनमें से आप किसी भी व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप ये उपाय कर सकते हैं। कोई गरीब, दलित या दरिद्र व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आपको उसे एक सिक्का दान करना है, साथ ही कुछ इलायची के खाने के लिए दाने भी देने हैं। तो आपको कुछ खाने के लिए या कुछ भी आपको मौका मिल जाए तो ये टोटका आपको करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति आपको वह एक सिक्का वापस दे देता है तो आप धनवान बन जाते हैं। बस आपको करना यह है कि आपको इसे अपने हमेशा अपने पर्स में रख लेना है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आप चाहें तो उस दरिद्र व्यक्ति से पहले ही बात बोल सकते हैं कि कल मैं आपको एक सिक्का और ये कुछ दूंगा, आप मुझे ये सिक्का वापस कर देना। आप उसके बाद चाहें तो उसे दीर्घ दक्षिणा भी दे सकते हैं, यानी कि ज्यादा और पैसे भी दे सकते हैं। यह उपाय बहुत ही आसान और सटीक, और यह आपके लिए कार्य अवश्य करता है। अगर आप किसी भी काम के बारे में प्लानिंग करते हैं उसके बाद भी जो आप कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, कितनी बार कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, आपके मन में जो इच्छा थी वह अब दबी की दबी ही रह गई है, तो इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से भी बाहर जा रहे हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है? प्रातःकाल उठ जाने के बाद
आपको 3 इलायची लेनी है। 3 इलायची लेने के बाद आपको अपने दाएं हाथ में से ले लेना है। दाएं हाथ में लेने के बाद आपको अपनी मुट्ठी में इसको बंद कर लेना है और आपको श्री श्री बोलना है, श्री श्री ऐसे बोलना है। वह श्री श्री बोलने के बाद फिर से आप खोल ले, आपको ये श्री श्री 108 बार बोलना है और इसके बाद आपको अपनी मुट्ठी को खोल लेना है और इसके बाद आप इस इलायची को खा ले। खाने के बाद आप जिस भी कार्य पर जा रहे हैं या जो भी काम के बारे में आप सोच रहे थे वह उपाय आप करते हैं तो इस उपाय से आपको सफलता जरूर मिलेगी। कितनी बार आपके विवाह में विलम्ब होता है, यदि विवाह में विलम्ब हो रहा है तो यह प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं और धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि प्रत्येक महीने के 2 पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आपको अपने पंचांग या कैलेंडर में देख सकते हैं या किसी विद्वान पंडित से पूछ सकते हैं। तो इसे आपको जब भी शुक्ल पक्ष आता है किसी भी महीने का तो उसमें आपको जो प्रथम यानी सबसे पहला जो गुरुवार पड़ेगा यह उपाय आपको तब करना चाहिए। इस प्रयोग में आपको क्या करना है, आपको मंदिर में जाना है, किसी भी मंदिर में जाए और वह भी गुरुवार की शाम को। तो गुरुवार की शाम को आपको किसी भी मंदिर में जाना है और मंदिर में जाने के बाद आपको 2 इलायची लेनी है। इसके बाद आपको 5 प्रकार की मिठाई खरीदनी है और इसके बाद इसके साथ ही आपको 1 दीपक भी खरीद लेना है। आप जो 2 इलायची लेकर आए थे जो आपने से खरीदा था इसे दीपक में डाल दें और उसमें शुद्ध देसी घी डाल दें। अब आपको मंदिर में जाने के बाद आपके पास 1 दीपक है जिसमें 2 हरी इलायची है और 5 तरह की मिठाई है। 5 तरह की मिठाई में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि लड्डू, इमरती, बर्फी या किसी प्रकार की 5 तरह की कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको ये दीपक जला लेना है और इस दीपक को जलाने के बाद आपको उस मंदिर में जल अर्पित कर देना है। यह उपाय आप गुरुवार और शुक्रवार के कर सकते हैं। यदि विवाह में अड़चन आ रही है तो आप इस उपाय को गुरुवार को करें और यदि आपके शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन करें। यदि शादी में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, अगर पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो यह उपाय बहुत ही आसान है। अगर आप किसी का भी वशीकरण करना चाहते हैं, वश में अगर आपने पति या पत्नी को करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका आपसे प्यार कम हो गया है तो आपको श्री कृष्ण का स्मरण मंत्र करना चाहिए। यानी कि अगर आपको मंत्र नहीं पता है तो आप श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करके शुक्रवार के दिन 3 इलायची ले और जिस किसी को भी आप वशीकरण करना चाहते हैं उसके बदन से इन 3 इलायची को स्पर्श करा ले और उसके बाद आप इसे अपने पल्लू या रुमाल में बांध करके अपने पास रख ले। आपके बीच में बहुत ही जल्दी सामंजस्य हो जाएगा और आपसी प्यार बढ़ने लगेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं। रविवार को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को सूर्य अस्त होने से ठीक आधा घंटा पहले 5 अलग अलग प्रकार की मिठाई लें और इसे पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी शिक्षा के प्रति कामना करके रख सकते हैं। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो स्टूडेंट है यानी कि जो पढ़ाई में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और अपनी शिक्षा के प्रति यानी पढ़ाई के प्रति कामना करते हुए इसे वहां रख दें और घर आते समय पीछे मुड़ करके ना देखें। इस प्रकार बिना कर्म टूटे यह उपाय आपको 3 बृहस्पतिवार तक करना है। इसके अलावा एक और प्रयोग भी आप आजमा सकते हैं। अगर पढ़ाई में अच्छे नंबर चाहिए तो छोटी इलायची को दूध में उबाल कर किसी गरीब व्यक्ति को पिला दीजिए। ये बहुत ही आसान और अचूक उपाय है। अगर आप भी चाहते हैं परीक्षा में अच्छे नंबर तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक है, इसके लिए आपको यह उपाय आपको गुरुवार को करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बिना कोई क्रम टूटे 5 गुरुवार तक लगातार ये उपाय करना है। किसी गरीब व्यक्ति को कम से कम 5 बार आपको दूध पिलाना है। इस उपाय से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर बात की जाए लास्ट उपाय के बारे में, आपके वेतन और प्रमोशन के बारे में, अगर आप चाहते हैं कि आपको वेतन मिले, अच्छा वेतन मिले, प्रमोशन हो और आपकी इनकम बढ़े, या अगर आप चाहते हैं तो आपको लाख मेहनत करने के बाद भी मनचाहा वेतन या प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को आप अवश्य आजमाएं। आज से ही रोज रात को एक हरे कपड़े में एक हरी इलायची बंद करके अपने तकिए के नीचे रख दे और सो जाए और आपको सुबह उठकर किसी भी बाहर के किसी भी व्यक्ति को आपको यह इलायची दान दे देनी है। यह उपाय बहुत ही आसान है और अचूक है। इसे आप एक बार अवश्य आजमाएं। इससे आपको सब प्रकार की सफलताएं तो मिलती ही है, साथ ही साथ आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया इलायची के बहुत सारे उपायों के बारे में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें और साथ ही साथ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।